रहम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस बात का सबसे ज्यादा असर बच्चों पे देखने को मिलेगा, जिसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल जेके लॉन का निरीक्षण किया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर आई तो फिर इसे संभालना मुश्किल होगा। आशंका है कि तीसरी लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर होगा। राजस्थान में सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लॉन में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी देखने के लिए सोमवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दौरा किया। जेके लॉन में बेड से लेकर वेंटिलेटर तक तैयारियों की भी पड़ताल की। पड़ताल में आया कि जेके लॉन में बिना कोरोना की NICU PICU के बेड फुल हैं। ऐसे में तीसरी लहर के लिए अलग से इंतजाम नहीं हुए हैं तो हालात गंभीर हो सकते हैं। जेके लॉन के 160 बेड की नियोनेटल ICU में MRI CT स्कैन जांच सुविधा और नियोनेटोलॉजिस्ट तक नहीं है। बच्चों के लिए विशेष तरह का मास्क और एम्बुलेंस की सुविधा भी अभी दूर है। कोरोना सैंपल के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। सुविधा विकसित नहीं होने पर बच्चों की जिंदगी खतरे में है। जितने बच्चों के अस्पताल हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करें, वहाँ पे जितनी जरूरत है उतनी फैसिलिटीज हम डेवलप करें। उसी कड़ी में आज मैं यहाँ जेके लॉन अस्पताल, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है बच्चों का, यहाँ मैं आया हूँ। और यहाँ पे 800 टोटल बेड हैं। अभी कुछ नए ICU के बेड बन रहे हैं। करीब 1500 लीटर ऑक्सीजन की हमारे पास यहाँ सपोर्ट रहेगी। बाकी जब 200 क्रिटिकल बच्चे, तब भी जब 600 हम वहाँ कर देंगे कोविड के लिए, वो नीकू जिसको बोलते हैं, वो जो क्रिटिकल बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ जारी रहेगा। और बाकी जो बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम सिटी कॉलोनी और गनगोरी वहाँ शिफ्ट करें।